नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 24 को नतीजे आएंगे। बता दें, नीतेश ने 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली सीट से जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने से मना कर दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर बगावती तेवर दिखाते हुए ट्वीट भी किया है। निरुपम ने कहा कि ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी मेरी सेवा नहीं चाहती है। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में सिर्फ एक सीट मांगी थी, वो भी नहीं दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को गुड बाय कहने का दिन अभी नहीं आया है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान मेरे साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, उससे नहीं लगता है कि कांग्रेस में ज्यादा दिन तक रहूंगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकार ने नजरबंद किए गए नेताओं के बारे में बयान दिया है। सलाहकार ने कहा कि 50 दिन से बंद किए गए नेताओं को चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा। बता दें, बुधवार को ही कुछ नेताओं को छोड़ा गया था। ये फैसला राज्य में BDC के चुनाव के ऐलान के बाद लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 9 नवंबर को करतारपुर साहिब जाने वाले पहले सिख जत्थे में शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मनमोहन सिंह को इस जत्थे में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसे मनमोहन सिंह ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले मनमोहन सिंह को पाकिस्तान की ओर से करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन में आने का न्योता मिला था, लेकिन मनमोहन सिंह के ऑफिस ने ऐसे किसी भी न्योते को स्वीकार करने से मना कर दिया था। अमेरिका में एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग हुई तो इसके बेहद खतरनाक नतीजे होंगे। इतना ही नहीं, यह पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्राकृतिक आपदाओं की तरफ भी ले जाएगा। स्टडी के मुताबिक दोनों देशों में परमाणु युद्ध हुआ तो 12.5 करोड़ लोग तत्काल मारे जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के युद्ध से सिर्फ उन्हीं जगहों का नुकसान नहीं पहुंचेगा जहां परमाणु बम गिरे हैं, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। दिल्ली कोर्ट ने INX मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, जिसके बाद पी चिदम्बरम को अब 17 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहना होगा। इससे पहले पी चिदम्बरम ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि CJI गोगोई तय करेंगे कि इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी या नहीं। गौतम नौलखा ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा केस में उन पर दायर FIR को खारिज करने से इनकार कर दिया था। बता दें, गौतम नौलखा के केस से दूरी बनाने वाले रविंद्र भट्ट 5वें जज हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी इस याचिका पर सुनवाई करने से अपने आप को दूर कर लिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के भाई दीपक निकालजे को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक निकालजे को सतारा की फल्टन सीट से टिकट दिया गया है, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह कमल होगा। वह BJP के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। बता दें, रामदास अठावले की पार्टी RPI NDA का प्रमुख सहयोगी दल है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। आदित्य ठाकरे ने BMC ऑफिस पहुंचकर वर्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले आदित्य ने मुंबई में बड़ा रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उनके साथ चले। जम्मू कश्मीर से लंबे समय बाद थोड़ी राहत वाली खबर आई है। राज्य प्रशासन के आदेश के बाद आज कश्मीर में सभी स्कूल खोले गए हैं। इसके साथ ही कश्मीर के संभागीय आयुक्त बशीर अहमद ने कश्मीर के सभी उपायुक्तों और स्कूली शिक्षा के निदेशकों को यह निर्देश दिया है कि वे किसी भी छात्र से अगस्त और सितंबर महीने की ट्यूशन फीस और बस फीस ना लें। दिल्ली में जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के घुसने की सूचना है। खुफिया विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये सभी हथियारों से लैस हैं और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बौखलाहट में त्योहारों के मौके पर हमला करने की फिराक में है। मिली जानकारी के मुताबिक बीती देर शाम स्पेशल सेल को अलर्ट मिला कि कश्मीर के रास्ते ये दिल्ली में घुसे हैं। इसके बाद कई जगहों पर तुरंत सर्च ऑपरेशन किया गया है और दिल्ली के सभी DCP, SP और SHO को आगाह कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली से जम्मू के कटरा जाने वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे चलेगी और कटरा 2 बजे पहुंचेगी। पहले इस सफर में 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये सफर सिर्फ 8 घंटे में तय कर लिया जाएगा।
विशाखापट्टनम टेस्ट में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की है। मयंक अग्रवाल ने जहां अपना दोहरा शतक जड़ दिया तो रोहित शर्मा ने भी 176 रनों की पारी खेली है, जिसके बाद भारत मजबूत स्थिति में है। शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 198.54 अंक गिरकर 38,106.87 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 46.80 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब तक की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।